भगवान विष्णु और सदना कसाई की कहानी। दोस्तों, अभी कलयुग चल रहा है और जैसे जैसे कलयुग की अवधि बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे धर्म का लोप होता जा रहा है। पुराणों में बताया गया है कि यदि मनुष्यों को कलयुग में परमात्मा से मिलना है तो इसके लिए केवल हरि नाम का ही सहारा है। कलयुग कथा के इस नए एपिसोड में आज मैं आपको एक ऐसे विष्णु भक्त की कथा बताने जा रहा हूँ जिसे देखने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि कलयुग में हरि नाम जपना ही हरि को पाने का जरिया है। और साथ ही ये भी जान जाएंगे कि भगवान केवल मंदिर में पूजे जाने से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि उन्हें पाने के लिए मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर द डिवाइन टेल्स पर। ये कथा आज से सैकड़ों वर्ष पहले की है। किसी नगर में सदना नाम का कसाई हुआ करता था। वो हर समय बस हरि के नाम का जप किया करता था। उसका काम भगवान विष्णु के अन्य भक्तों की तरह पवित्र तो नहीं था, क्योंकि वो मांस कटाने और बेचने का काम करता था, परंतु उस समय भी वो हरि नाम का जप करना पसंद करता था। एक दिन की बात है, सदना नगर से बाहर कहीं जा रहा था कि रास्ते में अचानक सदना के पैरों से एक पत्थर टकराया। फिर जब उसकी नजर उस पत्थर पर गई तो वो मन ही मन सोचने लगा, वाह क्या पत्थर है, इससे तो मैं मांस भी तोल कर बेच सकता हूँ। और फिर वो पत्थर उठाकर घर की ओर चल दिया। लेकिन मित्रों, आपको बता दूं कि सदना कसाई जिसे साधारण पत्थर समझकर उठा लिया था, वो कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि भगवान विष्णु का पाषाण स्वरूप यानी शालिग्राम पत्थर था। सदना शालिग्राम पत्थर के प्रभाव और चमत्कार से अनजान होने के कारण उसे अपनी दुकान पर ले गया और फिर उस पत्थर से वो मांस तौल कर बेचने लगा। फिर उसने देखा कि दुकान पर आने वाले लोग जितने भी वजन मांस की मांग करते, वो पत्थर उसी के अनुसार अपना वजन घटा और बढ़ा ले रहा है। इस प्रकार सदना चाहे जितना भी मांस तौलता, हर बार एकदम सही तुल जाता। अब तो वो एक ही पत्थर से सभी माप करता और अपने आप को करता जाता और हरि नाम लेता जाता। ये देख सदना हैरान तो हुआ, लेकिन उसके मन में ये ख्याल कभी नहीं आया कि ये भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। वो अपने मन में सोचता, हो सकता है ये कोई चमत्कारी पत्थर हो और किसी जादूगर का खो गया हो। इसी तरह समय व्यतीत होता गया और वो हरि का नाम जपते हुए खुशी पूर्वक रहने लगा। इसके कुछ माह बाद एक दिन सदना की दुकान के सामने से एक ब्राह्मण गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर सदना की दुकान में रखी उस पत्थर पर गई। वो ब्राह्मण बड़े ही विद्वान थे और देखते ही समझ गए जिसे सदना ने अपनी दुकान पर मामूली पत्थर समझ कर रखा हुआ है, वो वास्तव में शालिग्राम पत्थर है। फिर उस ब्राह्मण ने देखा कि सदना उस पत्थर से मांस तौल रहा है। ये देख ब्राह्मण को क्रोध आ गया और वह सदन के पास गए और बोले, अरे मूर्ख, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि जिस पत्थर से तुम मांस तौल रहे हो, वास्तव में वे शालिग्राम भगवान है? ब्राह्मण के मुख से ऐसी बातें सुनकर सदना को बड़ा दुख हुआ और वो बोला, हे ब्राह्मण देवता, मैं तो अज्ञानी हूँ, मेरी बातों पर विश्वास करिए। मुझे पता ही नहीं था कि जिसे मैं पत्थर समझ रहा था, वास्तव में ये भगवान शालिग्राम है, अर्थात मेरे हरि ही है। मुझे क्षमा कर दीजिए। सदना के मुख से ऐसी बातें सुनकर ब्राह्मण का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने सदना से कहा, हे वत्स, ये दुकान पवित्र नहीं है और तुम शालिग्राम भगवान को यहाँ नहीं रख सकते, इसीलिए ये पत्थर तुम मुझे दे दो। फिर सदना ने खुशी खुशी शालिग्राम भगवान को ब्राह्मण को सौंप दिया। इसके बाद ब्राह्मण शालिग्राम भगवान शिला को लेकर अपने घर आ गए और फिर गंगा जल से उन्हें नहलाकर मखमल के सिंहासन पर बिठाया और धूप दीप चंदन से पूजा की। फिर जब रात को ब्राह्मण सोए, तब उनके सपने में भगवान विष्णु प्रकट हुए और ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण, तुम मुझे जहां से लेकर आए हो वहीं छोड़ आओ, मेरा मन यहां नहीं लग रहा है। ये सुन ब्राह्मण बोला, हे नारायण, आप उस कसाई के पास कैसे रह सकते हैं? वो आपके रहने लायक जगह नहीं है। इसके अलावा वो आपको बांट बनाकर मांस भी तौलता है, ऐसे में आप वहां कैसे रह सकते हैं? ब्राह्मण की बातें सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण, आप नहीं जानते कि जब मेरा भक्त सदना मुझे तराजू में रखकर मांस तौलता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझे अपने हाथों से झूला झूला रहा हो। भले ही उसका कार्य मांस काटने का हो, परंतु ये कार्य करते समय भी वो हर समय मेरा नमन करता रहता है, जो सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। इसीलिए जो आनंद मुझे वहां मिलता है
वो यहाँ नहीं मिलता। इतना कहकर भगवान विष्णु ब्राह्मण के सपने से चले गए। फिर अगली सुबह भगवान विष्णु के सपने में कही बातों को उनका आदेश मानते हुए ब्राह्मण उस शालिग्राम पत्थर को लेकर सदना के पास पहुंच गए और सदना को अपने सपने के बारे में बताने लगे। फिर वो सदना से क्षमा मांगते हुए बोले, सदना मुझे क्षमा कर दो, वास्तव में तुम ही भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हो, लो अपने भगवान को संभालो। ये सुन सदना भावुक हो गया और उसने मांस काटने के कार्य को छोड़ने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु की इच्छा और उनकी पसंद का पता लगाते ही ब्राह्मण ने भी विष्णु का तप करने का निर्णय लिया। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आज वही शालिग्राम शिला बिहार के चंपारण में स्थित है और ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी स्थापना सदना ने ही की थी, जिसके बाद वो यहाँ ही भगवान विष्णु के भजन कीर्तन किया करता था। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि जब सदना ने इस शालिग्राम शिला की स्थापना की थी उस समय इसका आकार मटर की तरह था, जो आज बढ़कर नारियल के आकार से भी दोगुना हो गया है। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इस शिलाग्राम शिला को नेपाल नरेश जग बहादुर ने उस समय वहां के लोगों को भेंट में दिया था। तो मित्रों कलयुग की यह कथा फिलहाल यहीं समाप्त होती है, लेकिन यदि आप जानना चाहते हैं कि आखिर किस श्राप के कारण भगवान विष्णु को शालिग्राम शिला बनना पड़ा तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस कथा को जानने के बाद आपको विश्वास हो गया होगा कि कलयुग में हरिनाम ही मुक्ति पाने का एकमात्र सहारा है। यदि विश्वास हो गया तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी कथाओं के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आप हमें इजाजत दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।